गुड आफ्टरनून सभी को। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने निकालने सीखे थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर लूँगा, आप बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे, मैं कहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा डिस्कस करें। आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या इससे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड हैं तो आप लोग वो डालेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बच्चे ने पूछा हुआ था कि कौन सी बुक फॉलो करें, तो बुक आप कोई सी भी फॉलो कर सकते हैं, सारी ही किताबें अच्छी होती हैं, जो मर्ज़ी आप वो बुक फॉलो करें। मैं किसी एक बुक का फॉलोअर नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है तो कम से कम 3 से 4 किताबें तो आप लोग को करनी ही पड़ेंगी। जहाँ से भी क्वेश्चन हो आप लोग करें, बेसिक मैं आप लोग को समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, तो कोई सा भी क्वेश्चन होगा आप लोग आसानी से कर लेंगे। और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम डालें, थैंक यू ऑल, इन सब की ज़रूरत नहीं है। क्या समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जितना डिस्कस करेंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 72 स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स 87 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और मैथ्स में क्या करना पड़ता है, कभी भी जब हमारे पास इक्वेशन आती है तो इक्वल के एक तरफ जो निकालना है वो, बाकी सबको हम लोग दूसरी तरफ लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, आई नो इजी क्वेश्चन है बट कई बच्चों को नहीं आता है। अच्छा, कई बच्चों की ये भी शिकायत थी कि सर बहुत ही ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे मैं ये मान के चलता हूँ, मैं ये उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता या मैथ से डर लगता है। स्पीड में भी करेंगे बट जब वो बच्चे थोड़ा केपेबल हो जाएंगे, जब उनका मैथ का डर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग स्पीड में भी करेंगे। ठीक है, और आप लोग के पास रिकॉर्डिंग क्लास होती है, आप लोग फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, बाकी जिन बच्चों को समझना है ये उनके लिए है। ओके, तो ये आ गया, तो यहाँ पर ये आने के बाद क्या हो जाएगा, 72 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर फॉलो हो रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब जल्दी से सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 87 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर। तो 87 प्लस 72 और 87 माइनस 72, राइट। अब देखिए माइनस के लिए मैंने बताया था हम लोगों ने वैदिक मैथ पार्ट वन, जिस बच्चे ने नहीं देखा है, शॉर्टकट मल्टीप्लाई के ट्रिक्स हैं, ऐड कैसे करना है वो आप वीडियो देख सकते हैं उसमें। अब देखिए क्या करना है, हमें घटाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐड कर लेंगे। 72 में 5 जोड़ा 77 और 10 87, मीन्स ये आ गया 15, और ये 7 और 2 9 8 7 15, 159 × 15। अब मल्टीप्लाई के लिए अगर आपको 15 का टेबल याद है, आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको ये 159 × 15 इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 15 × 9 = 135, 13 कैरी, 15 × 5 = 75, 3 × 78 = 10, 88, 8 कैरी, 15 × 15 = 8 = 23। तो 23 × 85 वुड बी रिक्वायर्ड आंसर। 23 कोई सा भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई वुड बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए अगेन यहाँ पर ये प्रश्न अगले फॉर्मूले पर बेस्ड है, जो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब इसको ले लेते हैं, ये मैं थोड़ा एलेबरेट कर रहा हूँ, बाकी ये जैसे आप लोग करेंगे तो ये धीरे धीरे, मतलब डायरेक्ट आप लोग आंसर लिखेंगे, राइट। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, तो 40 का स्क्वायर 1600, 24 का स्क्वायर अगर याद नहीं है तो समझ ले कैसे निकालना है। ये हम लोगों ने इसको एज अ ए ट्रीट करना है, इसको एज अ बी ट्रीट करना है। 4 × 16 6, हासिल 1, 2ab, 4 × 2 = 16, 16 × 1 = 17, हासिल 1, और ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 × 1 = 5, राइट। एंड अगेन 2ab, तो ए की जगह पे 40 है, 24, तो 4 × 2 = 8 = 80 और 24 × 8 = 192, यानी कि ये हो जाएगा 1920। अब प्लस बी है और माइनस बी है, तो हमें क्या करना होता है, पहले प्लस करना होता है। तो 16 और 5 2176,
माइनस 19 20। अगेन हम वही करेंगे, 20 में हम क्या जोड़ेंगे, 76 आ जाए तो 56, ये कंप्लीट हो गया, 56 66 76, और 19 100 जोड़ेंगे तो 2000, और 100 और जोड़ेंगे तो 2100, तो ये आ गया 256। इसके अपॉन में 4 है, सॉल्व कर लिया, 4 6 24, 4 4 16, 64, मीन्स ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये अगला प्रश्न सेम है जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो इसको जल्दी से कर देते हैं। 30 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, तो 30 प्लस 20, और 30 माइनस 20, तो ये हो गया 30 और 20 50, और गुणा में 10, मीन्स 500 वुड बी रिक्वायर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगेन ये भी अभी जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन करा था उसके जैसा ही है, तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ही ये भी टिक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स 32 प्लस 18 एंड 32 माइनस 18। अब देखिए 32 में 8 जुड़े 40 और ये 10 50, 32 18 4 22 और 10 32। ओके, कभी भी ऐसे इक्वेशन आए उसको मल्टीप्लाई करने के बजाय पहले आप देख लें कि उस उधर है क्या। अब ये मल्टीप्लाई है, ये इस 14 को हमें क्या करना है, इधर लेकर के आ जाएंगे, तो ये 14 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल, हमारा यहाँ पर बचेगा 50, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई वुड बी करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, हमें जस्ट इसमें 69 का स्क्वायर निकालना है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा था ताकि आप लोग का रिवाइज करा दूंगा। हमें क्या करना है इसमें, इसको एज ए ट्रीट करना है, इसको एज ए बी ट्रीट करना है। जब भी किसी दो डिजिट का हमें स्क्वायर निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर, और इसकी मदद से हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले 9 है, बी की जगह पीछे से शुरुआत करनी है हमें, यहाँ से 9 का स्क्वायर, 9 9 81 कैरी 1, देन 2AB 6 9 54 108। ओके 108, और यहाँ पे 8 जो था वो हासिल लगा हुआ था, तो 108 और 8 116, तो 6 आ जाएगा और कैरी आ जाएगा 11, देन ए स्क्वायर, तो 6 6 36, 37 और 10 47, मीन्स 4761 वुड बी रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन की ओर। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने देखा है कई पेपर में पूछा गया है, कई आप लोग अगर प्रीवियस पेपर्स उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब देख लेंगे इसको करना कैसे है। विच मिनिमम इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिमाइंडर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है पहले ये भी समझ लेंगे आप लोग। जैसे 16 है, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, राइट, तो 16 को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। 17 ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इधर 4 × 4 ये परफेक्ट स्क्वायर, 5 × 5 परफेक्ट स्क्वायर, 9 × 9 ये सब परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, वो ये कहेगा, कुछ नंबर आपको दे देगा और कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका 3 9 दे दिया, 0 दे दिया, 1 दे दिया, 3012 दे दिया। अब देखिए कोई सा भी नंबर होगा उसके लास्ट में तो यही डिजिट होने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसके अलावा तो होगा नहीं कोई। तो 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 की से 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, यहाँ पे भी 6, 9, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। अब आप यहाँ पे देखें, 1, 2 और 3, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, अगेन 7 भी मिसिंग है, 8 भी मिसिंग है। मीन्स अगर किसी के एंड में 2 3 और 7 और 8 है तो ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। ओके क्लियर है। तो अगर आपको ये चीजें भी पता है कि 2 3 7 और 8 है तो वो हो ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे आप,
ये यहीं पर ऑप्शन नंबर डी जो बाय रिजेक्शन या बाय एलिमिनेशन मेथड होता है, आगे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे जब ये बताएंगे कि पेपर आप लोग को कैसे करना है, तो ये वाला ऑप्शन तो यहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। ये देखिए 3011 और इसको मैं ऐसे लिख दूं, 3012 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3011 प्लस 1, कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि 3012 ही तो था। अब देखिए अब ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ होगी और एक बार इसके साथ होगी, तो ये क्या आ गया 3011 इंटू 3011 प्लस अगेन ये क्या आ जाएगा, एक बार जब एक के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आएगा 3011। अब ये पूछा था क्या घटाया जाए, यहाँ पर क्या है क्या घटाया जाए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नंबर है 3011 इंटू 3011 ये क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, एक्स्ट्रा क्या बचा, ये बचा। तो अगर हम इसी को हटा देंगे तो जो बाकी हमारा बचा हुआ नंबर है वो तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ओके, तो 3011 जो कि ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दिए हुए नंबर में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको। जोड़ने पर अब देखते हैं क्या करना है इस प्रश्न में। 680621 सबसे पहला काम हमारा क्या है, पेयर बनाने का, ये पीछे से पेयर बन गया। ओके, देन अगला काम नंबर से मल्टीप्लाई करनी थी तो ये आ गया 8 8 64, देन ये 4, हम इसको जल्दी से करते हुए चलेंगे, यहाँ पर ये आ गया 16, हमारा ये अगला नंबर उतर गया। अब यहाँ पे 160 है, दो ले लेंगे तो 16 2 32, 320, 3 ले लेंगे तो 480, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, दो लेंगे, 2 2 4, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3, ठीक है 324 आ गया, और यहाँ पर ये 164 आ गया, 6 में से 4 गए 2, या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं 324 में 6 जोड़ा, ठीक है तो ये 330 हो गया, या आप अगर थोड़ी आप लोग की कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट हो जाएगी तो 76 76 और 6 82, या चलिए अभी आपके लिए यही कर लेते हैं, 6 में से 4 गए 2, ओके यहाँ पे 10 में से 2 गए 8, ये यहाँ पर आ गया, देन अगेन यहाँ पे 2 1 आ गया। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए आप लोगों को, अगर हम लोग यहाँ पर एक भी नंबर ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1600 के करीब है ये, राइट। एक मिनट, यहाँ पर 2 लिखना रह गया था, इसको भी लिख देते हैं। अब देखिए 1604 है, अगर एक लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लगभग 1600 है, 5 बार में लेंगे तो 16 5 80 हो जाएगा, चलिए करके देख लेते हैं इसको। 5 5 5 25, 2 कैरी 5 4 20 और 2 22, 2 कैरी 5 6 30, 2 32, 3 कैरी 5 1 5 और 3 8, ये कि ये क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर कम लेना पड़ेगा, ये हमें यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा। एक मिनट, ओके तो ये 164 4 लेना पड़ेगा, राइट। अब 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 हासिल 1, 4 4 16 और 1 17 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, 2 4 1 4 और 2 6, राइट। अब देखिए प्रश्न क्या है, यहीं पर पहले इसको कर लेते हैं, अगर आप पहले ऐसे करना चाहें 6 5 11, 1 हासिल 1 7 और 1 8, 4 12, 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, यहाँ पर क्या आ गया 16 45। अब देखिए प्रश्न क्या है, क्या जोड़ें कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हमने यहाँ पर क्या लिया था, अगर प्रश्न ये होता कि क्या घटाएं, तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर होता क्या घटाएं तो ये हमें 1645 घटा देना था, बट हमें यहाँ पर क्या करना था, क्या जोड़ें, तो जोड़ने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इससे बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो हम जो वहाँ पर ले रहे थे 1645, अब यहाँ पर 5 से एक बार लेकर के बताते हैं, समझ
अगर नहीं आ रहा समझ में, अगले प्रश्न में आ जाएगा समझ में. 5 5 ज़ा 25, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल 2, 5 6 30 और 2 32, हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8. अब देखिए यहाँ पर है 8 2 2 5, और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, 8 2 2 1. अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें तो रिमाइंडर 0 लाना है. ओके, तो अगर यहाँ पर 4 और होता, मीन्स 8 2 2 5 होता, तो 8 2 2 5 में से ये माइनस हो जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता. ओके, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्या घटाएं तो ये घटाएं, क्या जोड़ें तो एक बढ़ा करके आपको ले लेना है, और जितनी कमी हो वही नंबर हमें जोड़ देना है, तो हमारा क्या जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे 8 2 2 5 लाने के लिए कितने की कमी है, 4 की, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. वह छोटी से, अब देखिए जो प्रश्न उसमें हम लोगों ने बात करी वो यहाँ पर है, क्या घटाएं, तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं. 6 3 5 2 0. ओके, अब सबसे पहला काम पेयर बनाने का कर लिया हमने. देन अगेन 2 2 4, ये 2 आ गया, यहाँ पे 2 रखा, ये ऐड हो गया 4. अगला पेयर उतरेगा, जैसे डिवाइड में अगली संख्या उतरती है, यहाँ पे पेयर उतरेगा. अब अगर एक भी लेते हैं, ये 4 40 के नज़दीक है, तो 6 बार लेंगे तो 240 हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा. 5 5 ज़ा 25, 2, 5 चौक 20 और 2 22, 225 में 10 जुड़े, ये हो गया, अगली संख्या उतर गई, यहाँ पर भी 5 आ गया, 45 और 5 50 हो गया. अब अगेन यहाँ पे हमें क्या लेना है, 500, अगर एक भी लेंगे तो ये 500 हो जाएगा, इसलिए हम 2 ले लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर 1004. अब ये क्या आ गया, यहाँ पर क्या बच गया, 16. अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या घटाएं, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, 16 घटा देना है, मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. बट अगर इसी क्वेश्चन में पूछा रहता क्या जोड़ें, ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 2 की बजाय हमें 3 लेना पड़ता, वो मल्टीप्लाई करते और फिर देखते कि इसमें कितना जोड़े कि वो संख्या आ जाए, तो वहां पर रिक्वायर्ड आंसर कुछ और होता. आई गेस क्लियर हो गया होगा आप सभी को. चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं. अब है अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा अलग है. 1008 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण संख्या बन जाए. अब देखिए जिसमें पहले क्वेश्चन में था कि जोड़े या घटाएं, वही यहाँ पर अगर भाग की बात आएगी तो थोड़ा सा हमें अलग करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालने का एक तरीका बताया था आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो आपको यहाँ पे यूज करना है. ओके, कैसे करेंगे एक बार देख लेंगे. ये आ गया 504, 2 2 4 25, ओके, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 6 12, 2 6 12 3, ओके, 3 2 6, 3 एकम 3, और 3 7 21. अब देख लेंगे ये हमारा क्या आया सॉल्व करके, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7. अब यहाँ पर भी 2 टाइप बनते हैं, किससे गुणा करें और किससे घटाएं. ये एक पूर्ण वर्ग, ये एक पूर्ण वर्ग, ये एक पूर्ण वर्ग. अगर हमें करता है बात डिवाइड करने की, तो अगर ये संख्या नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी. तो ये संख्या नहीं होगी, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें भाग करना पड़ेगा, जो कि इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बट अगर कहता कि मल्टीप्लाई करें, तो अगेन इसको मल्टीप्लाई, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, तब भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो उस केस में भी आंसर क्या होता, 7 होता. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन है आज का. कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी. 2 संख्याओं, एक संख्या 5 दे दी, ठीक है, अब वर्गों का योग, वर्ग मीन्स उनका स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, दूसरा नंबर का स्क्वायर हमें ये मालूम नहीं है, इक्वल 386. अभी देखिए ये क्या है कि हमें ये क्वेश्चन बस करके दिखाना पड़ रहा है, अदरवाइज हमें पेन की भी जरूरत नहीं है. क्यों, 386 माइनस 25 पता ही है, जोड़ेंगे आप माइनस कर देंगे, ये 361 आ जाएगा. अब थोड़े स्क्वायर्स आप लोग याद भी कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा. चलिए इसको करके दिखा देते हैं.
एक्स स्क्वायर इज इक्वल 386 माइनस 25, पाँच और एक छः, दो और छः आठ, और ये तीन। अब क्या होता है, याद करिए, अगर स्क्वायर है तो बराबर के अगर इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और 361 ये 19 का स्क्वायर होता है 361, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। और अगेन मैं कहूँगा कि जिसको नहीं समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में डालें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स डालें आप लोग, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ताकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर सकें आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए, थैंक यू ऑल, गुड इवनिंग।